नगर निगम में बोर्ड का बैठक हो गए, काफी लंबा समय हो गया, आखिर क्यों नहीं बैठक हो रहा है? बैठक क्यों नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी सवाल तो आपका बहुत बढ़िया सुंदर चीज है। अगर बोर्ड का बैठक नहीं होगी तो जनता की आवाज बोर्ड तक कैसे, सदन तक कैसे पहुंचेगी? बोर्ड की बैठक ना करने की हमको तो एक ही बात लगता है कि लूटने की आजादी नहीं रह जाएगी, इसलिए कि सारा पार्षद जानेंगे, सारा पार्षद अपना आवाज को वहां पर रखेंगे। इसीलिए विगत एक से डेढ़ साल के अंदर में मात्र एक बैठक हुई है, हमें जितना ज्ञात है, जितना हमको जानकारी हुई है, उसी तरीका का अस्थायी समिति का बैठक लगभग एक ही हुआ है। बाकी एजेंडा कैसे पास हो रहा है, कैसे विभागीय कार्य हो रहा है, ये हमें भी नहीं पता। तो विगत वर्ष तो कोरोना की वजह से हो सकता है बैठक नहीं हुआ हो। विगत वर्ष कोरोना तो खत्म हुए लगभग 6 महीना से ज्यादा हो गया। 6 महीना के अंदर में तो हर एक महीना में एक बोर्ड की बैठक का आयोजन करना है, लेकिन 6 महीना में भी एक भी बैठक नहीं हुआ है। सोचने की बात तो काम कैसे होता है? मान लीजिए कि जो भी काम लूट खसोट है, मेयर और नगर आयुक्त की मिलीभगत से सारा कार्य हो रहा है। इससे पहले तो आरके सिंह ने जो भी बैठक सदस्य हैं सबसे ज्यादा उन्हीं का जिम्मा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होता है, क्या कभी कार्रवाई वगैरह इस तरीके की चीज होता है क्या? बोल तो दिए लेकिन कार्रवाई उनको तो करना चाहिए, करवाना चाहिए ना। ऊंचे स्तर का मेंबर है, ऊंचे सदन का मेंबर है, तो एक बार कोई आदेश करेंगे, मंत्री हैं, अभी बिहार केंद्र सरकार की ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी पावर बहुत है, इस पर कार्य करना चाहिए, उनको कह दिए लेकिन इस पर कार्य करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अब उनका ही मामला है, कह के बोले लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। एक बात, आप भी पूर्व प्रतिनिधि, अभी तो वर्तमान में पूर्व हैं, पहले थे आप, तो अभी जो वर्तमान जो भी वार्ड पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, क्या कभी इस तरीके की बैठक को लेकर ये लोग अपना कुछ बातचीत नहीं करते हैं? हाँ, कोई बात अगर बातचीत करते, अगर एकजुट सारे पार्षद होकर इस पर विषय पर मांग करते कि भाई बोर्ड की बैठक क्यों नहीं हो रही है, और कार्य इतना लंबा हो, विभागीय कार्य कैसे हो रहा है, हम लोगों को कोई अनुमति नहीं है, न बोर्ड की अनुमति है, न स्थायी समिति की अनुमति है, तो अभी भी कार्य हो रहा है। लगभग हम तो हमको जानकारी हुई कि लगभग 200 विभागीय कार्य हुआ है, मान किसके आदेश से विभागीय कार्य हो रहा है, हो रहा है, लगभग 200 कार्य हुआ है, हमें जानकारी हुई है 200 कार्य हुआ है विभागीय, उसमें लूट खसोट कहाँ काम हुआ है, कहीं से दिख नहीं रहा है, लूट रहा है, भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है निगम में। इस तरीके का आज तक 15 साल में हम भी रहे हैं, 15 साल में ऐसा तो कोई बोर्ड नहीं आया था। आपने कहा कि 200 विभागीय कार्य के लगभग हमें तो ज्ञात हुआ है कि अब ज्ञात है, जो सूत्रों से मिली जानकारी आपको भी होगा, तो क्या इसके लिए आगे कुछ आप मोर्चा खोलेंगे? हम सोच रहे हैं, इस पर हम काम करेंगे, और जब मोर्चा खोलेंगे पेपर ऊपर सारा चीज जानकारी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम हुआ, कैसे कैसे, हम भी उसको जांच बैठवाएंगे, जांच करवाएंगे, क्योंकि अभी तो निगम के चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज है, हर एक पार्षद जो भी है मेयर रूप में अपने लगे हुए हैं, तो इस तरीके का मतलब कि जो बात आप कर रहे, बैठक नहीं हो रहा, बैठक में 200 कार्य भी हो जाता है, तो कार्य का तो खामियाजा किसके जिम्मे होगा? मतलब कि क्या जनता के बीच वो काम पहुंचा है या नहीं पहुंचा? जनता के बीच कहाँ पहुंचा है, सब ऊपर माल महाराज के मिर्जा खेले होली वाली बात है, जनता के पैसा लूट खसोट हो रहा है, निगम में जो भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं सब लूट रहे हैं, एकदम लूट लूट के अड्डा बन गए, भ्रष्टाचार के अड्डा बन चुकी है, बस यही जान लीजिए।